सेकेंड मेथड ऑफ फूड प्रेजर्वेशन इज प्रेजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट. कॉमन साल्ट हैज बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस. तो कॉमन साल्ट जो है वो मीट और फिश को खराब होने से बचाता है. मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई साल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. साल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टैमरिंड. तो इसी तरह हम जो है आंवला के ऊपर भी नमक छिड़क देते हैं, इमली के ऊपर नमक छिड़क देते हैं, या कच्चे आम जो होते हैं उनके ऊपर नमक छिड़कते हैं ताकि उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक ना हो. तो ये मेथड्स हैं कि हम खाने को कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं. प्रेजर्वेशन बाय शुगर. तो आपने जैम्स, जेली, स्क्वैश वगैरह आपने सुने हैं कि जैम क्या होते हैं, आप खाते हो जेली, स्क्वैश जब जो गर्मियों में आप ड्रिंक करते हो, पीते हो स्क्वैश वगैरह, तो उसमें शुगर डाली होती है जिससे क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक नहीं होता. शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कॉन्टेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड. इससे क्या होता है शुगर से जो मॉइस्चर कॉन्टेंट होता है वो कम हो जाता है और बैक्टीरिया का अटैक नहीं होता. नेक्स्ट है प्रेजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर. यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरमेंट. इसी तरह ऑयल और विनेगर जो है वो पिकल्स वगैरह में डालते हैं क्योंकि बैक्टीरिया इस तरह के एनवायरमेंट में ग्रो नहीं करते. और हम क्या कर सकते हैं पिकल्स वगैरह को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचा सकते हैं. वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड. तो इसी मेथड से हम सब्जियों को, फलों को भी बचा सकते हैं. नेक्स्ट है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट. हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट देख के भी हम खाने को खराब होने से बचाते हैं. जैसे कि गर्मियों में क्या होता है कि हम खाने को फ्रिज में रख देते हैं, उनको हम कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं जिससे कि खाना काफी लंबे समय तक खराब नहीं होता. इसी तरह हम दूध को क्या करते हैं, जब हमारे घर में दूध आता है तो हम उसको बॉयल करते हैं 15 to 30 seconds ताकि और 70 degrees Celsius पे हम मिल्क को हीट करते हैं क्योंकि मिल्क के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम मिल्क को क्या करते हैं बॉयल करते हैं सबसे पहले, उसके बाद ही हम मिल्क को यूज करते हैं. तो इस तरह से हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट देके हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक जो है वो रोक सकते हैं. नेक्स्ट है तो जो मिल्क को हम मतलब हीट करते हैं 70 degrees Celsius पे और उसके अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको किल करने के लिए, इस मेथड को हम पास्चराइजेशन मेथड भी कहते हैं. स्टोरेज एंड पैकिंग. दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो. स्टोरेज एंड पैकिंग मतलब अब क्या होता है जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं और इवन द वेजिटेबल्स जो हैं उनको वो पैकिंग में आते हैं जिससे क्या होता है माइक्रोब्स का अटैक जो है वो कम हो जाता है. तो अभी हमने ये टॉपिक पढ़ा है कि कैसे हम खाने को खराब होने से बचा सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक जो वेरी इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन फिक्सेशन. You have learned about the bacterium rhizobium. आपने 6th or 7th class में हमने पढ़ा था कि rhizobium क्या होता है. And it is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plants. जो leguminous plants होते हैं उनकी roots के अंदर rhizobium bacteria रहता है. ठीक है, वो क्या करता है कि plants जो हैं वो direct nitrogen जो है वो use नहीं कर सकते. तो जो bacteria होता है ये जो leguminous plants की roots में रहता है वो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करके प्लांट को देता है और बदले में प्लांट क्या करता है उस बैक्टीरिया को फूड देता है. इस तरह से उन दोनों के अंदर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं. क्या हेल्प करते हैं कि जो राइजोबियम होता है एक बैक्टीरिया है जो कि लिग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में रहता है और वो क्या करता है क्योंकि प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन यूज नहीं कर सकते जो एटमॉस्फेयर में होती है, तो वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करके प्लांट को देता है और प्लांट बदले में क्या करता है राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है उसको फूड देता है. इस तरह दोनों में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज नाइट्रोजन साइकिल क्या है. आर एटमोस्फियर हैज 78% नाइट्रोजन गैस. हमारी एटमोस्फियर में 78% नाइट्रोजन गैस है और ये बहुत ही असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, सच एज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन्स. तो ये इसमें क्या होते हैं नाइट्रोजन किस में होती है, प्रोटीन्स में, क्लोरोफिल में, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन्स में. और ये जो 78% नाइट्रोजन है वो हमारे एटमोस्फियर में है. द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स. तो मैंने पहले भी बताया है कि जो एटमोस्फियर में नाइट्रोजन होती है प्लांट्स उस नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि अभी हमने पढ़ा है राइजोबियम बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फियर एंड कन्वर्ट इट इन टू द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन. तो ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, जो अभी हमने पढ़ा है राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया जो कि सॉइल में होते हैं और वो क्या करते हैं जो एटमोस्फियर की नाइट्रोजन होती है ये बैक्टीरिया उसको ना
कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं. वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड्स, तो जब ये नाइट्रोजन को यूजेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो प्लांट्स इसको यूज कर लेते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं यूज कर सकते. तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको जब नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करके प्लांट को देते हैं तो वो यूज करता है, प्लांट्स उसको यूज करता है. नाइट्रोजन इज देन यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स. तो फिर क्या करते हैं हम, जैसे प्लांट्स को हम खाते हैं, प्लांट्स से हम पल्सेस वगैरह लेते हैं जिसमें प्रोटीन्स होते हैं, तो एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स. और हम प्लांट्स को खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं, तो वो प्रोटीन्स जो हैं एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो हैं वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं. व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, और जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्टेज इन टू द नाइट्रोजनस कंपाउंड्स टू बी यूज बाय प्लांट्स अगेन. तो जब भी कोई प्लांट्स और एनिमल्स डाई करता है तो क्या करते हैं, बैक्टीरिया और फंगी जो होते हैं प्रेजेंट इन द सॉइल, जो मिट्टी में होते हैं, कन्वर्ट द नाइट्रोजन वेस्ट, वो इन नाइट्रोजनस वेस्टेज को क्या कर देते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि प्लांट्स अगेन यूज कर लेते हैं. सर्टन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस, और कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन इस कंपाउंड्स को, और ये नाइट्रोजन फिर से एटमॉस्फेयर में चले जाती है. एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट. तो इस तरह से जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट रहती है. तो अभी हमने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा है कि किस तरह से सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है, 78% नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो नाइट्रोजन को इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करके प्लांट्स को देते हैं. प्लांट्स हमारे लिए क्या करते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, मतलब कि पल्सेस फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह हम प्लांट्स से लेते हैं, तो पल्सेस वगैरह हम खाते हैं तो वही प्रोटीन्स जो है हमारी बॉडी में चले जाते हैं. और जब प्लांट्स और एनिमल डाई होते हैं तो फिर से बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी बॉडी में से निकलने वाले जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं सॉरी, उनको नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो प्लांट्स फिर से वो ले लेते हैं. और कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं और वो गैस फिर से एटमॉस्फेयर में चली जाती है. इस तरह से ये साइकिल जो है वो नाइट्रोजन साइकिल चलता है. तो ये चैप्टर था, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो अभी हमने किया है वायरसेस का, कि वायरसेस जो हैं वो हमारे फ्रेंड्स भी हैं और जो है वो हमारे एनिमल्स वायरसेस हमारे फ्रेंड्स भी हैं और हमारे फो भी हैं. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर हमने पढ़ा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें बैक्टीरिया फंगी वायरस प्रोटोजोआ आते हैं वो हमारे हेल्प भी करते हैं लेकिन हमारे दुश्मन भी हैं. हमें उनसे बहुत से फायदे भी हैं लेकिन बहुत से नुकसान भी हैं, जैसे कि हमने इस चैप्टर में स्टडी किया. तो आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है. अगर कोई डाउट हो तो फिर आपने मेरे से पूछ लेने हैं, कि कोई भी बात आपको क्लियर नहीं हुई है तो आपने पूछना है. थैंक्स.